शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एक महान पर्यटन स्थल है। सुरम्य और मनमोहक कश्मीर ऊंचे हरे हिमालय में बसा हुआ है और अपनी अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में इसका स्वागत किया जाता है। पहाड़ की चोटियों, हरी भरी घाटियों, जगमगाती झीलों, मंदिरों और शानदार मुगल युग के बगीचों से घिरे इसने सदियों से कवियों को प्रेरित किया है। कश्मीर चिनार के पेड़ पंक्तिबद्ध सड़कों और विचित्र लकड़ी के पुलों से घिरा हुआ है और हलचल भरे बाजारों, सूफी मंदिरों और किलों का घर है। इसके साथ स्वादिष्ट कश्मीरी व्यंजनों का आकर्षण और इसके आसपास के हरे भरे बगीचों से सेब और अखरोट। सर्दियों में कश्मीर एक सफेद चमक लेता है जो नरम बर्फ से ढका होता है और स्कीयर अपनी प्रसिद्ध ढलानों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। और गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलती है और घास के मैदानों में फूल खिलते हैं, यह एक कलाकार के कैनवास जैसा दिखता है। इस बीच जम्मू प्राचीन तापी नदी के तट पर स्थित है। यह सैकड़ों मंदिरों से युक्त है। वैष्णो देवी की लोकप्रिय हिंदू तीर्थयात्रा से जो पास में स्थित है, सुरम्य परिवेश में स्थापित धार्मिक संरचनाओं के स्कोर के लिए जम्मू एक मंदिर की पगडंडी पर स्थापित करने और आध्यात्मिक वाइब्स में डूबने के लिए आदर्श स्थल है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर समुद्र तल से 1730 मीटर की ऊंचाई पर कश्मीर घाटी के केंद्र में स्थित है। झेलम नदी के दोनों किनारों पर फैला यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 370 ने राज्य को एक निश्चित मात्रा में स्वायत्तता की अनुमति दी, अपना संविधान, एक अलग झंडा और कानून बनाने की स्वतंत्रता। विदेशी मामले, रक्षा और संचार केंद्र सरकार के पास रहे। परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर स्थायी निवास, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित अपने स्वयं के नियम बना सकता है। यह राज्य के बाहर के भारतीयों को संपत्ति खरीदने या वहां बसने से भी रोक सकता है। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 जारी किया। CO 272 भारत के संविधान के अनुच्छेद 370(1) के अनुसार। संवैधानिक वकील गौतम भाटिया कहते हैं कि यहाँ आने वाली हर चीज का आधार बनता है। आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति के साथ एक समय समय पर संशोधित संविधान के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे। अनुच्छेद 370 35A आर्टिकल 370 और 35A क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद
70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो तिहाई बहुमत से पारित। श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सैनिक हर जगह है, सड़कें कंटीले तारों से बंद है और सैनिकों के सामने बैरिकेड्स हैं। घर के बाहर किसी से भी पूछताछ की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे यह क्षेत्र बारहमासी तालाबंदी में रहा हो। कश्मीर के विशेष विशेषाधिकारों के निरसन के बाद से राज्य महीनों से कर्फ्यू जैसी स्थिति में था, और फिर जब चीजें वापस सामान्य होने लगी तो महामारी ने दस्तक दे दी। यह सब यहाँ के लोगों पर भारी पड़ रहा है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि कर्फ्यू सिर्फ 2 दिनों तक रहेगा और अब नहीं। अनुच्छेद 370 को रद्द करने का निर्णय संविधान का हिस्सा, जिसने कश्मीर को विशेष दर्जा की गारंटी दी थी, इस क्षेत्र में गुस्से और विश्वासघात के साथ मिला था। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में इसका व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। कर्फ्यू के बीच हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया और संचार बंद करने का आदेश दिया गया। इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुए और सुरक्षा बल अक्सर नागरिकों से भिड़ गए। माना जाता है कि आश्चर्यजनक कदम के बाद के दिनों में हजारों कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को उनके घरों से उठा लिया गया था। केंद्र को विकास के लिए राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने की अधिक शक्ति देने के लिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, स्वीकृत सरकार, जिसे पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य प्रशासन इच्छुक है, उनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और कश्मीर में काम कर रहे पंडित प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 पारगमन आवास शामिल है। घाटी अन्य परियोजनाओं में उधमपुर श्रीनगर बारामूला में रेलवे परियोजना शामिल है, जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेल परियोजना के अगले साल अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। भारी लागत वृद्धि के बीच परियोजना कई समय सीमा से चूक गई है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार उच्च वेग वाली हवाओं के कारण काम को रोकना पड़ा था। इसी तरह कश्मीर में विजयपुर, जम्मू और अवंतीपोरा में एम्स परिसर क्रमशः 2023 और 2025 तक स्थापित किए जाएंगे। अब वर्षों से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A ने तत्कालीन राज्य को अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने से रोक दिया था। राज्य का दर्जा स्थानीय राजनेताओं को विकास और विकास की आबादी से वंचित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदानकर्ताओं में से एक है। हालांकि अनुच्छेद 370 को रद्द करने और 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बाद हालात सुधरने लगे। आतंकवाद जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य को पीड़ित करने वाले सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक था। पाकिस्तानी आतंकवादी, कट्टरपंथी कश्मीरियों और अलगाववादी राजनेताओं की मदद से जम्मू कश्मीर में और वहां से देश के बाकी हिस्सों में अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ कर गए। लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद नए बने केंद्र शासित प्रदेशों में आतंक से संबंधित घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसके साथ ही टेरर फंडिंग के मामलों में NIA की कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए मौत की घंटी भी बजाई। आर्थिक विकास और विकास को गति देने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अब तक निवेश के लिए 13,600 करोड़ रुपए के 168 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके अतिरिक्त राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए 6000 एकड़ सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। तेजी से सड़क निर्माण मोदी सरकार की पहचान रही है। जम्मू और कश्मीर में सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास का महत्वपूर्ण महत्व है। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन के दो स्थायी शत्रु पड़ोसियों के बीच स्थित है। इसके अलावा उज और शाहपुर कंडी जैसी 5 दशकों से अधिक समय से ठप पड़ी पनबिजली परियोजनाओं में तेजी लाई गई है। निवेश के लिए 14 क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें पर्यटन, जल विद्युत, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल है। व्यवसाय करने में आसानी लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 130 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र प्रशासन के लिए एक अन्य फोकस क्षेत्र था। 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, जिनमें से 4 ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कॉलेजों में मेडिकल सीटें भी 500 से बढ़ाकर 955 कर दी गई है और नियमित डिग्री कॉलेजों में 25,000 सीटें जोड़ी गई है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इस साल अप्रैल में बनकर तैयार हुआ था। इसके 2022 तक पहली बार ट्रेन द्वारा घाटी को शेष भारत से जोड़ने की उम्मीद है। पुल, जिसकी केंद्रीय अवधि 467 मीटर है, बिस्तर के स्तर से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के पलायन के ऐतिहासिक गलत को ठीक करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की अपनी पहल के एक हिस्से के रूप में केंद्र ने पीएम पैकेज के तहत समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष नौकरियों की घोषणा की। मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि पुनर्वास पैकेज के तहत उन्हें प्रदान की गई नौकरियों को लेने के लिए कुल 3,800 प्रवासी उम्मीदवार कश्मीर लौट आए हैं, जिनमें से 520 अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद वापस आ गए थे। दशकों तक लद्दाख ने जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक नेतृत्व द्वारा उपेक्षित और उपेक्षित होने की बदनामी को सहन किया। जैसे जैसे कश्मीर ने केंद्र में कदम रखा, लद्दाख आकार में पूर्व की तुलना में काफी बड़ा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर की छाया में रहता रहा। तब से केंद्र शासित प्रदेश ने तेजी से विकास देखा है। नई सुरंगों और सड़कों को हिमालयी क्षेत्र के सबसे कठिन इलाकों में बनाया गया है, सऊदी गजट ने बताया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध ने भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के तेजी से निर्माण के सरकार के प्रयासों में योगदान दिया है। सड़कों और सुरंगों के निर्माण परियोजनाओं को गति मिली है तो सीमावर्ती गांवों की टेलीफोन और फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। अलुस्टेंग्रास कारगिल लेयर ट्रांसमिशन सिस्टम सहित प्रमुख विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस कदम से लद्दाख को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में मदद मिली है, जिससे क्षेत्र को निर्बाध, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की अनुमति मिली है।